नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हिंसा की आग में झुलसता कासगंज अपने जख्म जी रहा है, कलंक से पीछा छुड़ा रहा है। हालांकि कल देर रात फिर एक फैक्ट्री में आगजनी हुई, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और शहर में अमन चैन फिर नजर आने लगा है। अब जो बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर कौन है कासगंज को यूपी का कलंक बनाने वाला, कौन है कासगंज का गुनहगार। कासगंज धीरे धीरे इस कलंक से पीछा छुड़ा रहा है। गली नुक्कड़ और बाजारों की रौनक फिर लौट रही है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, आखिर कौन है कासगंज को उत्तर प्रदेश का कलंक बनाने वाले। कासगंज हिंसा और चंदन गुप्ता की हत्या समेत अब तक 6 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियों के साथ मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है, साथ ही पूरी साजिश बेनकाब करने के लिए SIT का गठन भी कर दिया गया है। हम लोग ने एक SIT का गठन कर दिया है, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी उसका पर्यवेक्षण करेंगे। 4 काबिल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम है, जो पूरे प्रकरण से संबंधित जितने भी आपराधिक अन्वेषण है, जो केसेस दर्ज हुए हैं, उनका अन्वेषण करेंगे और बहुत ही गुणवत्ता के आधार पर, तथ्यपरक और पारदर्शिता के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगी। पूरे घटनाक्रम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेसिस पे, और यदि किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी है जो हो सकती है, जिसकी संभावना से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, उसका पूरा पर्दाफाश किया जाएगा, पट्टाक्षेप किया जाएगा। जो भी इसके पीछे होंगे वो सामने आएंगे और कानून के शिकंजे में। SIT की अगुवाई एटा के ASP क्राइम ब्रांच कर रहे हैं, जिनके साथ 3 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर हैं। कासगंज में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान क्या हुआ था, इस पर प्रशासन की अब तक की पड़ताल के बारे में खुद DM की जुबानी सुनिए। स्थिति वहाँ वाद विवाद की क्या थी, इसको कोई प्रत्यक्षदर्शी न मिल पाने के कारण मौके का कोई बता नहीं पाया है कि विवाद किस बात पर हुआ। उसके बाद ईटा पत्थर चला, ये मोटरसाइकिल छोड़ करके वहाँ से भागे, ये लोग चले आए। हमारे यहाँ तहसील रोड और सूत मंडी दो ऐसे मोहल्ले हैं जो उससे हट करके हैं, 500 मीटर की दूरी पर हैं, वहाँ चले आए। उसके बाद फिर ये लोग तैयार हो करके वहाँ से और बदला लेने की भावना से निकले, ये कह करके कि वहाँ तो इन्होंने हमको आगे जाने से रोक दिया, यहाँ देखता हूँ कैसे रोक देंगे। और इधर से जो भी इनकी संख्या रही हो 20-25 की, ये संख्या में इधर से निकले और उधर जिस घर के लोगों ने इनको रोका था, ईटा पत्थर की शुरुआत किया था, इनका यह कहना है कि उस घर से फायर हुआ। इसी फायरिंग में चंदन गुप्ता की मौत हुई और नौशाद नाम के शख्स के पैर में गोली लगी। ऐसे में अंदेशा यह है कि फायरिंग दोनों ओर से हुई थी। जो लगी है गोली का एंगल देखने से यह प्रतीत होता कि ऊपर से गोली चलाई गई, यानी छत से गोली चलाई गई है। तो जो मकान वहाँ पर है, एक मुस्लिम का मकान है, इसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया गया कि इस मकान से गोली चली है, तो वो गोली मुस्लिम द्वारा चलाई गई होगी। अभी ये कयास लगाया जा रहा है, IO इसकी जांच कर रहा है। मौके के कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लोग भी जब वहाँ आए थे तो इनके हाथ में असलहे थे, हाकी थी, डंडे थे, तो हो सकता फायरिंग इनकी तरफ से हुई हो और वो गोली नौशाद जो दूसरा इंजर्ड है उसको लगी हो, बट ये जांच का विषय है। हालांकि झगड़े की शुरुआत आखिर क्यों हुई, इसके बारे में अब तक कुछ सामने नहीं आ पाया है। इनका यह कहना है, इनके फादर से मेरी जो बात हुई, उनका यह कहना था कि मैंने बेटे से पूछा कि विवाद क्यों हुआ, तो उसने बताया कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हम लगा रहे थे, तो उन लोगों ने भी हमसे हमारे सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया है, अब तुम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ। तो इन लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तान के, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। इसी बात पर इनके फादर का कहना है कि विवाद हुआ और फिर ईटा पत्थर चले। चंदन की हत्या का शक जिस शख्स पर है वो फिलहाल फरार है, उसके घर से देसी पिस्टल और सुतली बम मिले हैं।
देर रात भी गारमेंट फैक्ट्री में आगजनी की घटना सामने आई है। कुछ लोगों ने फैक्ट्री में आग लगा दी। कुछ लोग शरारती होते हैं समाज में और पुलिस का काम होता है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना, हम लोग कार्रवाई करेंगे। कासगंज में हालात को देखते हुए पुलिस के पूरे अमले के साथ ही 7 कंपनी बीएसी और 2 कंपनी आरएएफ भी तैनात हैं। प्रशासन का दावा है कि हफ्ते 10 दिन में कासगंज की पूरी साजिश बेनकाब होगी। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्र, कासगंज आज तक। कासगंज की हिंसा को राज्यपाल ने कलंक बताया, लेकिन हैरानी ये है कि 5 दिन होने को आए हैं और मुख्यमंत्री योगी कासगंज हिंसा पर अब तक खामोश हैं। हालांकि उन्होंने फौरन सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए, एसपी तक को हटा दिया गया, लेकिन सीएम साहब की जुबां खामोश है। कासगंज हिंसा पर सीएम योगी सख्त, लापरवाह पुलिस वालों पर सीएम योगी की गाज, एसपी सुनील सिंह को हटाया गया। कासगंज की घटना से यूपी के गवर्नर भी शर्मिंदा। वहां के जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के लिए एक कलंक के रूप में हुई है। राज्यपाल दुखी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से में हैं, डीजीपी मुख्य सचिव के साथ हाई लेवल मीटिंग कर सख्त निर्देश दे रहे हैं, फिर कासगंज हिंसा पर मुख्यमंत्री की जुबान खामोश क्यों है? महाराज, जिस तरह कासगंज में घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास की भारी भरकम योजनाओं की शुरुआत करने अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे योगी से पत्रकारों ने फिर यही सवाल दोहराया, लेकिन इस बार दाएं बाएं नहीं, सीधे अपनी कार में बैठकर निकल गए योगी जी। खैर, सीएम साहब तो चुप हैं, उनके बाकी मंत्री और नेता खूब बोल रहे हैं, विपक्ष तो योगी सरकार को जमकर घेर ही रहा है। वारदातें हैं वो अभी रुक नहीं रही हैं। 10 से 11 कंपनियां वहां पे उतर चुकी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। ये अपने आप में बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री महोदय इस घटना को गंभीरता से नहीं देख। लेकिन जलते कासगंज की आंच से झुलसते उत्तर प्रदेश में योगी के एक मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें इस हिंसा के बारे में कुछ पता ही नहीं। कासगंज में जो हिंसा हुई है, कासगंज है कि किस बात की हिंसा हुई, मुझे उस संबंध में मालूम नहीं, लेकिन जांच होकर के उनके पर कार्रवाई होगी, जो जिसने मारपीट की होगी उस पर जांच करा करके उसको अंदर किया जाएगा। इन मंत्री जी को कुछ पता नहीं है तो इनके जैसे कुछ और नुमाइंदे ऐसे हैं जिन्होंने संवेदनशीलता की सारी हदें तोड़ दी। कासगंज कांड पर संवेदनहीनता का एक दूसरा पहलू है, शहर में आग लगी थी और कासगंज से महज 25 किलोमीटर दूर एटा में कैलाश खेर नाइट्स की महफिल में सांसद मुकेश राजपूत, कासगंज सदर के विधायक देवेंद्र लोधी, अमापुर के विधायक देवेंद्र वर्मा और प्रशासन के तमाम अधिकारी गीत संगीत में डूबे थे। जब विधायक देवेंद्र वर्मा से इस महफिल के बारे में पूछा गया तो बहाने बनाने लगे। कोई नृत्य संगीत नहीं देख रहे थे, केवल पहले से कार्यक्रम लगा था। उनके कार्यक्रम की एक रस्म अदायगी होती है कि कोई कार्यक्रम पहले से दे दिया जाता है, वहाँ उपस्थिति दर्ज कराने गए थे हम, न किसी तरह के किसी नृत्य संगीत में नहीं। जनता के हर सुख दुख में साथ रहने की जिम्मेदारी जिन नुमाइंदों पर होती है ये उनकी हकीकत है। ऐसे में सूबे के मुखिया भी जुबानी तौर पर कासगंज हिंसा पर अब तक खामोश है तो हैरानी होती है, क्योंकि ऐसे नाजुक वक्त में प्रदेश के सबसे बड़े ओहदेदार का कुछ बोलना शांति परस्तों के लिए बड़ी राहत और हिंसा फैलाने वालों के लिए बड़ी चेतावनी होता है। कानपुर से रंजय सिंह और कासगंज से आशुतोष मिश्रा के साथ गजेंद्र कुमार, गोरखपुर आज तक। सीएम योगी का इंतजार चंदन के परिवार को भी है। परिवार की मांग है कि बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। प्रशासन से मिली 20 लाख रुपए की मदद को भी परिवार ने काफी विरोध के बाद कबूल किया है। कासगंज की हिंसा का शिकार हुए चंदन के परिवार वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब दुखी हैं। इनमें आक्रोश भी है। इन्हें बेटा चाहिए, चंदन वापस चाहिए, जो मुमकिन ही नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच चाहते हैं,
जो मुमकिन है, लेकिन कब होगा पता नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने सरकार की ओर से चंदन के परिवार के पास 20 लाख रुपए के मुआवजे का मरहम जरूर भेजा जिला अधिकारी के हाथों। कासगंज में जो कुछ भी हुआ उसका शिकार बने चंदन गुप्ता को फाइनली जो है योगी सरकार ने मुआवजा ऐलान किया, 20 लाख रुपए का मुआवजा घोषणा की गई है। और कल रात ही जिस मुआवजे का ऐलान हुआ उसको लेकर के आज जो सूबे के DM हैं वो खुद चंदन गुप्ता के घर पहुंचे हैं और यहां पर परिवार को सहानुभूति बंधाने के लिए लगातार जो लोग हैं वो सहानुभूति बंधाने के लिए आ रहे हैं। सरकार ने भी कहा कि वो हर संभव मदद करेगी और जब तक कानून व्यवस्था अपना काम करे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का जो ऐलान किया उस रकम को लेकर के 20 लाख रुपए का मुआवजा चंदन गुप्ता के परिवार को देने की बात कही, उसको लेकर के DM खुद पहुंचे हैं यहाँ। जिलाधिकारी RP सिंह जैसे ही 20 लाख रुपए का चेक लेकर चंदन के घर पहुंचे तो वहां उनका विरोध शुरू हो गया। परिवार और पड़ोसी पहले चंदन को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए अड़ गए, परिवार मुआवजा नहीं दंगों के दोषियों के लिए सजा की मांग करने लगा। उनकी सबसे बड़ी मांग शहीद के दर्जा देने के लिए है, वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और दोषियों को सजा, फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं, वो चेक बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। काफी मान मनोबल के बाद आखिरकार चंदन के परिवार वालों ने 20 लाख रुपए का चेक कबूल कर लिया। शहीद का दर्जा देने की मांग पर DM साहब ने अपनी बेबसी जताई कि जितना उनके अधिकार में है वो उतना ही कर सकते हैं। आई हैव प्रोवाइड चेक, 20 लाख का चेक मैंने उनके फादर को दे दिया। उनका आक्रोश इस बात पर था कि वो शुरू से मांग कर रहे हैं कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। मैंने कहा ये मेरे स्तर से नहीं होता है। उन्होंने कहा हमारा शासन से कराइए। मैंने कहा आप एक अपनी डिमांड दीजिए, हम शासन को भिजवा देंगे। परिवार अब बेटे को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएगा। आशुतोष मिश्रा, कासगंज आज तक। कलंक के गुनहगारों की तलाश के साथ ही कासगंज अपने पुराने रूप में लौटने की कोशिश कर रहा है। शहर में चहल पहल बढ़ने लगी है, लेकिन दहशत की आशंका भी दिल में किसी कोने में धड़कती है। दुख और दर्द को समेटकर कासगंज फिर पुराने खुशहाल दौर की तरफ पांव बढ़ा रहा है। रविवार शाम पीस कमेटी के साथ बैठक कर प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी तो सोमवार से कासगंज की सड़कों पर रौनक लौटने लगी। 26 जनवरी को कासगंज में हुई हिंसा के बाद तनाव का वो माहौल अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ये शहर इन सड़कों पर जहां कल सुबह तक सन्नाटा पसरा था, लोग घरों के अंदर कैद होकर रह गए थे, इन तमाम संगीनों के पहरे में ये शहर फिर सामान्य होता नजर आया है। जिंदगी पटरी पर लौटी तो स्कूल कॉलेज भी खुले। कासगंज के सरकारी स्कूल में सालाना खेल का आयोजन हो रहा है। आसपास के जिलों और स्कूल की लड़कियां इसमें शामिल हैं। ये मासूम बच्चियां भी शहर में अमन के लिए दुआएं कर रही हैं। नहीं सर, मुझे क्यों लगेगा आप लोग हैं, तो हमें डर कर नहीं डट कर मुकाबला करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, हमें डर के नहीं डट के मुकाबला करना चाहिए। कासगंज में लौटते खुशनुमा बयार को फिर कोई जहरीला ना कर दे, इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर चप्पे चप्पे की पहरेदारी की जा रही है। आशुतोष मिश्रा, कासगंज आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक में जाने से पहले आपको याद दिला दें सबसे तेज सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए नंबर वन वेबसाइट www.aajtak.in के साथ, या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।